नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक शीट बना के रखी है। उसमें मैंने फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेल्स प्राइस पर यूनिट वगैरह वगैरह लिख के रखा है। तो हम देखते हैं कि उसका एक्चुअल भी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। वो होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ऐसा करने से आपको आपका ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस वो पॉइंट होता है जिसके बाद आपको एक्चुअल में प्रॉफिट आना शुरू होता है। तो पहले से मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेशन करके रखा है, तो इसको ज़रा हटा देता हूँ और आपको बताता हूँ एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे होता है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट वो होता है जो आपका प्रोडक्शन के किसी भी लेवल से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, वो आपको खर्च करना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए ऑफिस का रेंट हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, या इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, या बैंक का ईएमआई हो गया। तो आप एक यूनिट प्रोड्यूस करो या 1,000 करो या 10,000 करो, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है फिक्स कॉस्ट का। दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके प्रोडक्शन से। आप अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो आपको डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल जो भी लगता है आपको, वो उसके अकॉर्डिंग ही लगता है, और ये प्रोडक्शन की लेवल के साथ ही कम या ज़्यादा होता है, ठीक है, उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो अभी देखते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे करते हैं। तो डिज़ायर सेल में जाइए और वहाँ पर लिखिए इज इक्वल टू, फिर दीजिए फिक्स कॉस्ट जो जो कि मेरी B2 में है, डिवाइड कीजिए उसको, ब्रैकेट ओपन करके सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये आ गया आपका ब्रेक इवन एनालिसिस का पॉइंट, ये यूनिट्स में आता है, ठीक है। तो ये आ गया 20,000। तो इसके बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।